भाजपा नेता अंकित सिंह ने पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। निचलौल ब्लॉक के कई गांवों में पहुंचकर आज भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित बाबू ने पौधारोपण किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों को पौधा का संरक्षण करने और अधिक से अधिक पौधा लगाकर हरियाली लाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा नेता ने क्षेत्र के ग्राम चंदा गुलरभार बढ़िया ढेसो और 13-4 पुल स्थित अंत्येष्टि स्थल के पास पौधारोपण किया, जहां उन्होंने कहा कि वृक्ष से ही जीवन है, अगर वृक्ष हमें स्वच्छ वायु न दे तो हम एक पल भी जीवित जीना संभव नहीं है। इसीलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें। इस दौरान आलोक श्रीवास्तव, उदय भान, अक्षत कुमार, सुमित कुमार, कड़ुरेश पांडे, सनी आदि मौजूद रहे। देश और प्रदेश माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के तरफ से ये हर साल कार्यक्रम चलता है, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर वर्ष हर विधानसभा हर जिला तहसील स्तर पर किया जाता है। उसी के तहत सिसवां विधानसभा के अंतर्गत आज हम लोग चंदा गुलरभार, जो कि भाट क्षेत्र है सिसवां विधानसभा का, उस पूरे एरिया में कई ग्राम सभाओं में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज करने का कार्य कर रहे हैं। क्या किया जाए कि अधिक से अधिक लोग जो है इस वृक्षारोपण के कार्य को सुचारू रूप से करें। वन महोत्सव जैसे कई कार्यक्रम मनाया जाता है, तो इनका रुझान पेड़ पौधे की तरफ हो, पेड़ पौधे कम कटान हो, अधिक से अधिक लगे। देखिए, इसके पहले सबसे पहले इसके लिए जो सरकार है अपने तरफ से लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन साथ ही साथ सब आम जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम परिवार में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो उस परिवार के मुखिया को कम से कम हर साल 2 पौधा लगाने का उसको एक जिम्मा लेना चाहिए और उसका रखरखाव भी वह स्वयं करे। इस तरह का योजना सबको सोच करके आगे बढ़ना चाहिए, तब वृक्षारोपण सफल होगा।